गोमूत्र, गाय का मूत्र इकट्ठा कर लीजिए किसी बाट से और उसको रख लीजिए, इसी को एक एक थेम आंख में डालना, बस सीधे सीधे। गाय का मूत्र, गाय माने देशी गाय, देशी गाय का मूत्र एक एक थेम रोज रात को आंख में डालिए सोते समय, तो एक से सवा महीने में ये भी आपका कैटरेक्ट ठीक कर देगा, दो सवा दो महीने में ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, और तीन महीने सतत डालें तो रेटिनल डिटैचमेंट ठीक कर देगा, चार महीने लगातार डालेंगे तो चश्मा उतार देगा आपका। बिंदु जो है जी, वो मर्ज हो जाता है या बाहर निकलता है? मर्ज हो जाता है। वो एक्चुअली क्या है, मोतियाबिंद एक तरह से फैट है, वसा है, तो वसा जल जाता है, जल जाता है तो वो वहीं अंदर ही खत्म हो जाता है, बाहर नहीं निकले। जी छान के, अगर अगर गाय बड़ी है जो तीन चार बार मां बन चुकी है, उस गाय का मूत्र लेंगे तो फिल्टर कर लीजिए, और गाय की बछड़ी है तो वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है और काफी कुछ फिल्टर होके जाता है। आंखों के रोग में मैंने इससे अच्छी कोई औषध अभी तक नहीं देखी, गोमूत्र से अच्छी, एकदम टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं, हर गली हर गांव में उपलब्ध है। और गाय माता इतनी अद्भुत है कि वो कभी भी मूत्र देने के लिए पैसे नहीं लेती, आप डब्बा लगा दो भर लो, लेकिन रखने का है कांच की बाटली, तो कांच की बाटली में अगर आप इसको भर के रखेंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होता। गोमूत्र 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल तक सुरक्षित रखा रहता है, उसमें कभी भी जंतु नहीं पड़ते। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में और गाय मूत्र में कभी भी जंतु नहीं पड़ते, माने गंगा जल की जितनी पवित्रता है गाय के मूत्र की भी उतनी ही पवित्रता है। तो इस गोमूत्र का आप भरपूर इस्तेमाल करिए आंखों के लिए।